बच्चा चुराएगा तू? हाँ तेरी इतनी मत। नहीं मैम आप गलत सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ? मैंने रंगे हाथ पकड़ा तुझे अपने बच्चा चुराते हुए? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके बच्चे की जान बचा रहा। अच्छा तू जान बचाएगा? उस शक्ल से ही चोर लग रहा है। तुझे भी मैं बताती हूँ। क्या हुआ मैडम? अरे देखिए ना, मेरा बच्चा चुरा के लेके जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। शर्म नहीं आती तुझे बच्चे चुराते हुए? नहीं मैडम ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा हम गलत सोच रहे, तू तो शक्ल से ही चोर लग रहा है, गरीब कहेंगे। तू बच्चे को चुरा के बेचने वाला था ना? नहीं मैडम। क्या हो गया मैडम? देखिए ना भाई साहब, मेरा बच्चा चुरा के लेके जा रहा था ये। साहब ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप। तू हमारे इधर ही रहता है ना, और यहाँ आके ऐसे काम करता है, जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है। साहब मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की। चुप। आप सब मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तू पुलिस को फोन करेगा? पुलिस का फोन हम करेंगे। मेरा फोन? आप इतनी मेहनत से कमाया था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, आपने मेरा फोन तोड़ दिया। अभी तो फोन तोड़ा, अभी तो तुझे भी तोड़ूंगा। साहब साहब छोड़ दो साहब, साहब साहब। अरे भाई क्या कर रहे हैं? इसने हमारे यहाँ से बच्चा चुराया है। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा इसे मेरा बच्चा चुराते हुए, और जब इन्होंने बच्चा चुराते हुए पकड़ा तो अभी झूठ बोल रहे हैं। साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो इनके बच्चे की जान बचाई है। अच्छा भाई देखो, जब तुम्हें किसी बात का पूरा पता नहीं है तो तुम ऐसे कैसे मार सकते हो इसे? क्या पता इसने बच्चा चुराए ना हो, क्या पता कुछ और बात हो। और बात रही इसे मारने की, जब तक पुलिस नहीं आती मैं इसे नहीं मारने दूंगा। हाँ हाँ बुला ले पुलिस को। हेलो क्या हो रहा है यहाँ पे? सर इसने मेरा बच्चा चुराने की कोशिश की है, ले जाइए इसे आप। खड़ा बच्चा चुराएगा? चल तू मेरे साथ। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं इसे? अब तू बताएगा मुझे क्या कर रहा है चोर क्या नहीं? देखिए सर यहाँ पूरी बात ना किसी को भी नहीं पता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसने बच्चा चुराया था। तुम चलो मेरे साथ साइड में एक मिनट, और तुम इसे पकड़ के रखो। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ सर कि उस चोर को इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं, जबकि इन्हें भी नहीं पता कि उसने बच्चा चुराया है नहीं चुराया। मैं तो बस आपसे इतना बोल रहा हूँ कि हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। फिर क्या करें? सर वो देखिए वहां पे सीसीटीवी कैमरा है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो उसे पक्का वो चीज रिकॉर्ड हुई होगी। चेक करते हैं। छोड़ो इन्हें, इसने कोई चोरी नहीं की, बल्कि इसने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, और तुम लोग फालतू में इस पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था इसे अपनी आंखों से। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, दिखाओ इन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इस गरीब को इतनी बुरी तरीके से मारा, जबकि तुम्हें यह भी नहीं पता था कि इसने तुम्हारा बच्चा चुराया है नहीं चुराया, और तुमने तुमने इसका फोन तोड़ दिया। तुम्हें क्या पता इसने कितनी मेहनत से लिया होगा, वो कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठे किए होंगे। I'm so sorry, तुम तो मेरी मदद कर रहे थे और मैंने तुम्हें चोर समझ लिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई नहीं मैडम, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, हम गरीब है ना, और हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, और हम किसी की मदद भी करें पर लोग हमें चोर और पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। कोई नहीं, आप तीनों लोग इसके फोन के पैसे दीजिए। ये तुम रखो। नहीं मुझे जी, हमने तुम्हारा नुकसान किया ना, तुम रखो, नहीं तो हमें लगेगा तुमने हमें माफ नहीं किया। प्लीज हमें माफ कर दें। I'm sorry. I'm sorry.
ध्यान रखना अपना।